इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइसलैंड में पिघलते लावे के पास लोगों का खेलने का वीडियो वायरल हो रहा है। आइसलैंड क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ी क्रिकेट प्रैक्टिस करते नजर आए तो कुछ लोग वॉलीबॉल खेलते भी दिखे। रूस में लाइव टीवी रिपोर्टिंग के समय एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। मॉस्को में ये रिपोर्टर मौसम का हाल बता रही थी कि तभी एक डॉग रिपोर्टर के हाथ से माइक छीन कर भाग गया। रिपोर्टर को भी डॉग के पीछे दौड़ना पड़ा। नेपाल की पहाड़ियों पर क्लाउड एवलांश का वीडियो रिकॉर्ड किया गया। ऊंची पहाड़ियों से तेज रफ्तार में गिरती बर्फ की वजह से सफेद बादल बन गया। जब से एवलांश नीचे घाटी में पहुंचा तो तेज हवा की वजह से वहां लगे टेंट उखड़ गए। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। अमेरिका के वर्जीनिया में एक स्कूल बस की विंडशील्ड को तोड़कर हिरण अंदर घुस गया। बस में बैठे बच्चे इस हिरण को देखकर हैरान हो गए। बाद में ड्राइवर के स्कूल बस का दरवाजा खोलने पर हिरण भाग गया। पाकिस्तान से भालू और डॉग की फाइट का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। इसमें भालू खुद को डॉग से बचाने की कोशिश करता रहा लेकिन डॉग बार बार उसके चेहरे पर हमला करता रहा। पाकिस्तान में अक्सर चोरी छिपे ये गैर कानूनी फाइट होती है। अमेरिका के मैनहट्टन में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी बना हादसे का शिकार। एक बैंक की इमारत पर चढ़ता हुआ प्रदर्शनकारी नीचे गिरा। पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ चल रहा था प्रदर्शन। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने अनोखे तरीके से लोगों ने एक पाइपलाइन का विरोध किया। एक काले रंग का सांप बनाकर जनता और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के डकोटा राज्य की तेल पाइपलाइन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। ब्रिटेन पुलिस को और अधिक अधिकार देने वाले प्रस्तावित बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। लंदन में हजारों लोगों ने बिल को खत्म करने के लिए किल द बिल प्रदर्शन किया। म्यांमार में लोगों ने सैन्य शासन के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध किया। ईस्टर पर लोग हाथों में रंग बिरंगे अंडे लेकर बाहर निकले और स्प्रिंग रेवोल्यूशन का स्लोगन गाया। म्यांमार में पुलिस वाले लोगों के घर में गुलेल से पत्थर मारते नजर आए। यंगून में एक नागरिक ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें पुलिस वाले लोगों के घरों के शीशे पर गुलेल से पत्थर मार रहे थे। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के सौतेले भाई प्रिंस हमजा को बीती रात उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। पूर्वी चीन में एक ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई जबकि 19 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। यमन के मरिब में हाउदी विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला किया जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई जबकि दो की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। मैक्सिको में स्टंट के दौरान प्लेन क्रैश होकर समंदर में गिर गया। इस हादसे में प्लेन के दोनों पायलट्स की मौत भी हो गई। रूस में एक हॉस्पिटल में लगी भीषण आग। आग के बावजूद डॉक्टरों ने हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन पूरा किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पौधारोपण कार्यक्रम में युवाओं को स्वस्थ और मजबूत रहने की सलाह दी। कहा, आपकी जनरेशन का मजबूत होना बेहद जरूरी। नामीबिया में गैंडों के शिकारी एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। जानवरों की हिफाजत के लिए काम करने वालों का कहना है कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है जिसके कारण गैंडों के सींग के कारोबार में तेजी आई। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में लोग लगातार 7 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार के उठाए कदमों से लोगों में नाराजगी है। बांग्लादेश में कल से 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान ऑफिस और कोर्ट बंद रहेंगे लेकिन इंडस्ट्री और मिल पहले की तरह काम करती रहेंगी। ब्रिटेन में ईस्टर पर दिखा कोरोना का असर। लंदन में पुलिस ने चर्च में घुसकर वहां चल रही प्रार्थना सभा को रोका। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किए जाने का आरोप। इटली में कोरोना वैक्सीनेशन में मदद के लिए चर्च आगे आया है। सिसिली में ईस्टर के मौके पर चर्च का इस्तेमाल वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर करने की इजाजत दी गई। यरूशलम में ईस्टर के मौके पर लोगों का उत्साह नजर आया। चर्च ऑफ द होली स्पेक्ला में भारी तादाद में जमा हुए लोग। सभी ने कोरोना के खतरे को देखते हुए मास्क पहन रखा था। दक्षिण कोरिया में भी ईस्टर पर कोरोना का असर दिखा। चर्च में लोगों की तादाद काफी कम रही। चर्च में आए श्रद्धालु मास्क लगाए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया था। चेक रिपब्लिक में सख्त कोरोना गाइडलाइंस के बीच ईस्टर की शुरुआत। लोगों ने ड्रम और चर्च की घंटियां बजाकर मनाया त्यौहार। नीदरलैंड्स के जू में ईस्टर हॉलीडे वीकेंड पर शेरों को पार्टी दी गई। वहां के रॉयल जू में कुल 8 शेर हैं जिन्हें मांस और अंडे दिए गए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।